अवर न्यू चैप्टर दैट इज रिडॉक्स रिएक्शंस. क्लियर, रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और हालांकि मोल कॉन्सेप्ट की सारी डिटेल्स तो नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसका कुछ यूज होगा इसमें. एन फैक्टर्स रिलेटेड कुछ टर्म्स इसमें यूज होंगी, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे. छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन. क्लियर, रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स नाम से पता कर रहा है इसके. रिडॉक्स, REDOX, रिडक्शन, OX, ऑक्सीडेशन. रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. क्लियर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये क्या है, रिडक्शन एंड दिस वन इज ऑक्सीडेशन. रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन. ये रिडॉक्स रिएक्शंस है. रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्लियर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब इसके अंदर हम रिडक्शन का मीनिंग क्या है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, वो स्टडी करेंगे. और ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने जूनियर क्लासेज में भी पढ़ा होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन. इसका डेली लाइफ में भी काफी ज्यादा यूज होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ डेली लाइफ से रिलेटेड, तो जो क्या कहते हैं फूड वगैरह जो हम लेते हैं, जो मील वगैरह हम लेते हैं, उसमें क्या होता है फाइनली जाकर कि फूड जो है, मील जो है, वो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में. क्लियर, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ. ग्लूकोज क्या है, C6H12O6. ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, ये बॉडी में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या देता है, कन्वर्ट हो जाएगा CO2, 6CO2 और 6H2O में कन्वर्ट हो जाएगा. और साथ में क्या देगा, ATP विच इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. क्लियर, ATP क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ये ध्यान रखना चाहिए, ATP का एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बायो की टर्म है ये, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो जो एनर्जी हमें देता है, प्रोवाइड करता है. क्लियर, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है. ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन. जैसे कार्बन था इसके अंदर, कार्बन किसमें गया, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करके CO2 में गया. और ऐसे ही O2 इधर स्टेट इसकी जीरो थी, जीरो से किसमें कन्वर्ट हो गया, O-2 में चला गया. तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. कार्बन की स्टेट बढ़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो स्टेट है, ऑक्सीजन की जो स्टेट है वो क्या हो रही है, -2 कम हो रही है. तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है. डिटेल इसकी लेंगे बाद में, तो बाद में और टर्म्स ये क्लियर हो जाएंगे. तो ये डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल था जिसमें हमने क्या किया, एक रिडॉक्स रिएक्शन का एक एप्लीकेशन देखा. सही ना, तो ये हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है, इसी की वजह से एजिंग वगैरह जो होती है बॉडी के अंदर, वो भी इसी, यही रिडॉक्स रिएक्शन का ही एक कॉज है. क्लियर, रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से एजिंग होती है. और ये अब जैसे ये इसकी मेरिट है कि फूड डाइजेस्ट हुआ, उसने हमें एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ऐसे ही प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लियर, एक एग्जांपल के ले ली. तो प्लांट्स वगैरह जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, CO2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करता है, उसमें भी सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन करता है वाटर के साथ, और क्या बनाता है, ग्लूकोज बना देता है. ये भी ग्लूकोज बनाएगा, सही ना, ये बना देगा ग्लूकोज C6H12O6, ये बना देगा ग्लूकोज प्लस O2. लाइक दिस प्लांट्स दे एक्सहेल ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन देंगे जो हम रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करते हैं, ये दिस ऑक्सीजन. सही ना, तो ये यूज हो जाता है. और नाइट में क्या करते हैं प्लांट्स, नाइट में ये उल्टा प्रोसेस होता है, नाइट में उल्टा प्रोसेस होगा. अब नाइट में जो प्लांट्स हैं वो इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, इसको लेते हैं और वो CO2 फिर रिलीज करते हैं नाइट में, CO2 H2. तो ये सारा बेसिक सा प्रोसेस है जो यूज होता है क्या कहते हैं डेली लाइफ में. सही ना, फोटोसिंथेसिस में या हम बॉडी जो मील वगैरह जो लेते हैं उसमें सब ये यूज होता है सारा प्रोसेस. इसके अलावा भी क्या है प्रोसेस, इसके अलावा जैसे एग्जांपल अगर लें तो और एग्जांपल इसकी जैसे जो कम्बशन होता है किसी फ्यूल का, क्लियर, किसी फ्यूल का कम्बशन अगर हो रहा है, फ्यूल का कम्बशन होगा तो उस केस में भी क्या होगा, जैसे एग्जांपल लिया इसमें भी C2H6 plus O2 कम्बशन हुआ इसका, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है. C2H6 plus O2 क्या बनता है, 2CO2 plus 3H2O. सो अगेन दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन. ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन. ये भी C2H6 plus O2 कन्वर्ट किसमें हुआ, CO2 में. कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन जो है O2 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया O-2 में. तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है. फ्यूल्स का कम्बशन हुआ, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है.
ऐसे ही रॉकेट्स वगैरह जो रॉकेट्स वगैरह जो यूज होता है, रॉकेट्स वगैरह में जो प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं, जैसे उसमें भी N2+O2 2NO बना, ये हाई टेम्परेचर पे N2 और O2 कंबाइन करते हैं रॉकेट्स में, जो प्रोपेलेंट्स होते हैं और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यहाँ पे N यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है और O यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, O रिड्यूस होगा और N क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके अलावा और प्रोसेसेस, जैसे हम 12th क्लास में पढ़ेंगे मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर से, ओर से अगर मेटल चाहिए, क्लियर, ओर से अगर मेटल चाहिए तो क्या होगा, ओर से अगर मेटल चाहिए तो उस केस में भी, उस केस में भी रिडॉक्स रिएक्शन यूज होगी। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे यूज होगी, ओर से मेटल चाहिए तो उसमें जैसे ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, और इसमें गैंग पार्टिकल इंप्योरिटीज है वो भी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगी, तो इसमें भी क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन है। ये 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उधर भी रिडॉक्स रिएक्शन का यूज है। इसके अलावा जो जैसे अगर हम और बात करें, इसमें जो लेंस वगैरह ग्लासेस वगैरह पहनते हैं सन में, ग्लास जैसे ही हम सन के अंदर जाएंगे, सनलाइट में जाएंगे, तो ग्लास क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और जैसे ही घर में दोबारा आते हैं तो ग्लास क्या हो जाता है, अगेन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सही ना। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का कॉज होता है, क्योंकि जो फोटोक्रोमेटिक लेंस होते हैं, क्लियर, फोटोक्रोमेटिक लेंस नाम से लग रहा है, जो लाइट सेंसिटिव होंगे, फोटोक्रोमेटिक लेंस जो होते हैं इनके अंदर बहुत कम अमाउंट में AGCL क्या प्रेजेंट होता है, AGCL प्रेजेंट होता है और CUCL, ये बहुत कम अमाउंट में होता है, और ये तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट, सिल्वर क्लोराइड, ये बहुत ही लाइट सेंसिटिव होता है, ये फोटोग्राफी वगैरह में भी यूज होता है। तो AGCL प्लस CUCL ये है, तो जैसे ही AGCL और CUCL लाइट के प्रेजेंस में आएंगे, लाइट के कॉन्टेक्ट में आते ही CU प्लस AG प्लस है, लाइट के प्रेजेंस में आते ही क्या होगा, CU प्लस जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CU2 प्लस में, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्लस वन से क्या हो गया, प्लस टू, स्टेट बढ़ गई ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, और Ag प्लस वन जो है ये Ag में चला जाएगा, रिड्यूस, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, Ag प्लस वन से क्या हो जाएगा, Ag बन जाएगा, तो ये रिड्यूस हो गया, Ag प्लस वन से क्या बन गया, Ag, तो ये रिड्यूस हो गया। ये बीच में आप लोग अपने पेन नहीं चलाएंगे बिल्कुल भी, CU प्लस प्लस Ag प्लस, तो CU प्लस जो है ऑक्सीडाइज हो गया CU2 प्लस में, Ag प्लस जो है वो रिड्यूस हो गया किसमें, Ag में, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, क्लियर, दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्या होगा, जैसे ही ये रिएक्शन कब होगी, दिस विल टेक प्लेस इन सनलाइट, सनलाइट में, जैसे ही हम सनलाइट में, एच म्यू सनलाइट है ना, सनलाइट का सिंबल था, जैसे ही हम सन के प्रेजेंस में जाएंगे तो क्या होगा, ये CU प्लस ऑक्सीडाइज हुआ, Ag प्लस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ये सिल्वर जो है, इस ये सिल्वर क्या करेगा, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जब ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो जो लेंस है वो ब्लैक हो जाएगी, और जैसे ही हम घर के अंदर आएंगे, घर के अंदर आएंगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाती है, और जब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी तो अब जो Ag प्लस है अब ये लाइट को पास होने देगा, क्लियर, अब ये लाइट को क्या करेगा, पास होने देगा, सही ना, लाइट को पास होने देगा, तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होगा और क्या कहते हैं, ब्लैक कलर इसका नहीं होगा, बात समझ नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, सेम। तो ये क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस की एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ के अंदर, तो इस तरह, इसलिए इसका काफी ज्यादा यूज है, इसकी एडवांटेजेस भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं, सब हम यूज करते हैं, क्लियर। तो हम यहाँ पे मैंने ये एप्लीकेशंस बताई हैं कुछ, अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सही ना, अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, क्लियर, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इसमें मैं, इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे, जैसे लेक्चर फर्स्ट में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने करवाया था आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं हर एक एलिमेंट की, तो पॉजिटिव स्टेट्स भी और नेगेटिव स्टेट्स भी, वो बिल्कुल याद होनी चाहिए ढंग से, वो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज अगर हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, से लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो इनकी स्टेट सबकी क्या होगी, प्लस वन। ये फर्स्ट वाला लेक्चर जो है, जो मैंने याद करवाया था आप लोगों को, लिथियम सोडियम पोटेशियम स्टेट क्या होगी, रुबिडियम सीजियम, ये पूरा याद करवाया था ना, तो इसमें प्लस वन स्टेट, वही लीना कुमार रॉबरी केस में फरार, इस तरह से याद करवाया था पूरा, इन सबकी स्टेट क्या होगी, प्लस वन, ये पता होना चाहिए आपको। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इनकी स्टेट क्या होगी, प्लस टू होगी। ऐसी ये थे एस ब्लॉक के एलिमेंट, स्टेट प्लस वन प्लस टू, ये ऑलमोस्ट फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। अब अगर आ गया बोरोन ग्रुप 13, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, तो इसमें स्टेट क्या आती है, प्लस थ्री, प्लस थ्री तो आती है, लेकिन अगर कुछ ध्यान हो तो मैंने प्लस थ्री और लास्ट में जाके बोला था प्लस वन भी स्टेट होगी, तो हल्का बहुत अगर आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट इतना याद रखना है कि टू थ्री है, इसमें क्या था, टू वन था,
तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसमें क्या है टू टू है तो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये क्या है टू थ्री है तो ये तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है ना। अब नेक्स्ट जो है ये प्लस थ्री स्टेट हो गई इनकी, अब अगला आया कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड, तो इसमें स्टेट क्या आ जाएगी प्लस फोर, नीचे जाने पर प्लस टू, चेंज भी हो सकती है स्टेट, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रहेगी, कई बार वो जीईओ लिख देगा तो स्टेट क्या हो जाएगी प्लस टू हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं कि प्लस फोर ही रहे, लेकिन हाँ मोस्ट कॉमन ये रहेगी कि प्लस फोर स्टेट, क्लियर। ऐसे ही अगर मैं आगे नाइट्रोजन ग्रुप की बात करूं, आगे देखते हैं इसमें नाइट्रोजन वाला ग्रुप, अगर नाइट्रोजन वाला ग्रुप अगर है तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, अगर ये लें तो निकोजेंस कहते थे इनको, इनकी स्टेट क्या होगी ये 2-5 होता है, 2-5 है तो तीन इलेक्ट्रॉन या तो ये गेन करेगा या फिर तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या पांच लूज करेगा, तो माइनस थ्री से लेकर प्लस फाइव स्टेट तक जाएगी, ये दिमाग में रखना कि माइनस थ्री से प्लस फाइव स्टेट तक जाएगी। ऐसे ही ऑक्सीजन वाला ग्रुप अगर है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आ जाएगा ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम टेलूरियम पोलोनियम, ये अगर आ गया तो इसकी स्टेट कितनी आएगी, ये 2-6 है, 2-6 है तो माइनस टू से लेकर प्लस सिक्स स्टेट तक जाएगी, माइनस टू से लेकर क्या जाएगी प्लस सिक्स स्टेट तक, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। इसके बाद माइनस टू से प्लस सिक्स तक जाएगी, फ्लोरीन वाला ग्रुप आया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो इसमें आ जाएगा आयोडीन एसिटाइन, तो इसमें 2-7 आ रहा है तो माइनस वन से लेकर प्लस सेवन लास्ट स्टेट जाएगी, और ऐसे ही कुछ स्टेट्स चेंज हो सकती है हेलोजन के अंदर भी, हेलोजन भी कुछ स्टेट शो करते हैं, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर से। नेक्स्ट नोट करना इसमें ये स्टेट्स कटायंस की होंगी, ये कटायंस की स्टेट्स हैं जो पता होनी चाहिए, और कुछ इसमें एनायंस है जैसे ऑक्साइड आयन नाइट्राइड आयन फॉस्फाइड आयन, फॉस्फाइड आयन बोल दिया तो पी थ्री नेगेटिव हो गया। अब कुछ नेगेटिव आयंस की स्टेट नोट कर लेंगे एक बार, तो नेगेटिव आयंस की स्टेट क्या आएंगी, नेगेटिव आयंस में जैसे अगर बात करें हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन तो चार्ज ये याद होना चाहिए ढंग से, हाइड्रोक्साइड आयन चार्ज क्या होगा माइनस वन, कुछ एक हिंट मिल सकता है इसका, हिंट कैसे मिल सकता है जैसे ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है माइनस टू, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है माइनस टू, हाइड्रोजन पे क्या होता है प्लस वन, तो आ गया माइनस वन की नहीं, हर केस में तो नहीं निकलेगा क्योंकि कई में स्टेट चेंज होती है, कई में स्टेट जैसे सल्फर आ गया या कोई और एलिमेंट आ गया तो उसमें स्टेट वेरी भी कर सकती है, तो इसलिए इसमें तो आ गया OH पे माइनस वन। ऐसे ही अगर मैं सल्फेट आयन लेता हूँ, सल्फेट आयन तो इस पे चार्ज क्या आएगा, ये भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं, जैसे सल्फर पे प्लस सिक्स लेंगे, सल्फर हो गया प्लस सिक्स, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया माइनस टू, माइनस टू इंटू फोर भी, तो क्या आ जाएगा माइनस टू इंटू फोर माइनस एट, तो प्लस सिक्स माइनस एट क्या आ जाएगा माइनस टू चार्ज, तो ये सल्फेट आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड और ये सल्फेट आयन, ये सब पता है पहले से। ऐसे ही अगर मैं और लूँ यहाँ पे तो से सल्फाइट आयन आ गया SO3 टू नेगेटिव, SO3 टू नेगेटिव, अब इसमें सल्फर की स्टेट क्या प्लस फोर है, इसमें प्लस फोर, ये अब ये याद करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि प्लस सिक्स ही स्टेट रहे सल्फर की, तो यहाँ सल्फर की प्लस फोर है, ऑक्सीजन की क्या है माइनस टू, माइनस टू इंटू थ्री, माइनस टू इंटू थ्री क्या आ जाएगा माइनस सिक्स, तो आ गया माइनस टू चार्ज, दिस इज कॉल्ड ए सल्फाइट आयन, सल्फाइट, ये सल्फाइट आयन है, तो सल्फेट सल्फाइड और सल्फाइड क्या होगा एस टू माइनस, ये सल्फाइड आयन है आई डी ई, ये सल्फाइड आयन होगा, तो ये आयन्स पता होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे आयन्स हैं, फॉस्फेट आयन जैसे पी ओ फोर थ्री नेगेटिव, पी पे स्टेट क्या होगी प्लस फाइव, ओ पे कितनी होती है माइनस टू, माइनस टू इंटू फोर माइनस माइनस एट, तो कितना आ गया माइनस थ्री, माइनस थ्री आ गई स्टेट की नहीं, तो ये दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फेट आयन। ऐसे ही CO3 टू नेगेटिव होता है कार्बोनेट आयन, चाहे तो स्टेट भी निकाल सकते हैं इसमें, प्लस फोर कार्बन पे प्लस फोर और ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो प्लस फोर माइनस सिक्स आ जाएगा माइनस टू, तो इस तरह से इनकी स्टेट भी निकल सकती है। इसके अलावा और भी आयन्स हैं, जैसे और आयन दिया इसके अंदर, नाइट्राइड आयन बता दिया मैंने, फॉस्फाइड आयन पी थ्री नेगेटिव होगा, फॉस्फाइड आयन क्या होगा पी थ्री नेगेटिव। इसके अलावा इसके फॉस्फेट आयन आ गया, फॉस्फेट अब जैसे इसमें ले लिया कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, जैसे थायोसाइनाइड आयन, थायोसाइनाइड आयन कौन सा होगा SCN, SCN नेगेटिव थायोसाइनाइड, क्लियर SCN नेगेटिव, ये थायोसाइनाइड आयन है, थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड। फिर ऐसे ही CN नेगेटिव क्या होगा, CN नेगेटिव होगा साइनाइड आयन, साइनाइड आयन। और इसके अलावा बहुत सारे आयन्स हैं ऐसे, लेकिन उतना नहीं लेंगे अभी डिटेल में, जैसे ये ले लिया मैंने थायोसल्फेट आयन्स S2O3 टू नेगेटिव, यूज किया हुआ है मोलोकसब के अंदर, थायोसल्फेट आयन्स,
ये कौन से आयन है, थायोसल्फेट, सही ना, थायोसल्फेट आयन है ये। तो इस तरीके से ये आयन कुछ मैंने बता दिए यहाँ पे। इसके अलावा और भी आयन है, नाइट्रेट आयन जैसे NO3 नेगेटिव, ये नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन हो गया। NO2 माइनस, तो ये नाइट्राइट आयन हो गया, नाइट्राइट आयन हो गया। और इसके अलावा आ गया हमारा NO2 प्लस होता है नाइट्रोनियम आयन, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, चलो इसको रहने देते हैं अभी। इसके अलावा आ जाएगा हमारा CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, और चलो NO2 पॉजिटिव आ गया नाइट्रोनियम आयन, प्लस आ जाता है तो EM लगता है ज्यादातर, नाइट्रोनियम आयन, क्लियर, नाइट्रोनियम आयन। इसके अलावा नाइट्रोनियम आयन आ गया, इसके अलावा और आयन्स आ जाएंगे इसमें, फॉस्फेट जैसे आयन्स आ गया, जैसे ये ले लिया C2O4 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, तो ये ऑक्सिलेट आयन है, ऑक्सैलिक एसिड क्या आयन है ना, तो ऑक्सिलेट C2O4 2 नेगेटिव, ये ऑक्सिलेट आयन है। और इसके अलावा आ जाएगा ऑक्सिलेट आयन आ गए, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड आयन्स, NCS नेगेटिव आ गया तो आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, सही ना, आइसोथायोसाइनाइड, NCS नेगेटिव। फिर इसके अलावा आ जाएगा हमारा, हाँ ये आ गया आयन्स, पर ये है परक्लोरेट आयन्स, परक्लोरेट आयन्स जो किसके हैं, परक्लोरिक एसिड के, किसके आयन्स हैं, परक्लोरिक एसिड के, ये है परक्लोरिक एसिड के आयन्स हैं, परक्लोरेट, क्या नाम बोलेंगे, परक्लोरेट। और ऐसे ही अगर Cl3 नेगेटिव है, Cl3 नेगेटिव, तो ये हमारे हैं क्लोरेट आयन्स, ये क्लोरेट आयन्स, Cl3 नेगेटिव क्लोरेट आयन्स होंगे। Cl2 माइनस, Cl2 माइनस कौन से होंगे आयन्स, ये हो जाएंगे हमारे क्लोराइट आयन्स, क्लोराइट। फिर Cl0 नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत यूज होगा, तो अभी मैंने बहुत कम बताया है, ये बहुत सारे आयन्स होते हैं, हाइपोक्लोराइट, दिस इज हाइपोक्लोराइट आयन्स, हाइपोक्लोराइड आयन्स, ये कौन से, हाइपोक्लोराइड आयन्स। तो ये सारे नेगेटिव आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन्स भी बहुत सारे ऐसे, तो ये कुछ मैंने बता दिए हैं, ये जो पता होना चाहिए से। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, तो ये सारे आयन्स थे। अब नेक्स्ट नोट करना इसमें रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए रूल्स लिखेंगे। पहला रूल क्या है, फिर मैं बताऊंगा ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर या रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए रूल्स कौन से हैं। तो इसके लिए रूल्स हैं, जैसे अगर एलिमेंट फ्री स्टेट में है, एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, सही ना, फॉर एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, अगर एलिमेंट्स फ्री स्टेट में है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, जीरो आएगा। फ्री स्टेट में जैसे अगर O2 इस पे चार्ज जीरो, F2 इस पे चार्ज जीरो, Cl2 इस पे चार्ज जीरो, N2 इस पे चार्ज जीरो, इस तरीके से, बात समझ नहीं, अगर फ्री स्टेट में है, रुबिडियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब पे चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। अगर फ्री स्टेट में है, पहला रूल ये है, तो उस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, जीरो लेंगे। और अगर सिंगल एटम आयन है, फॉर सिंगल एटम आयन, हालांकि ये रूल्स जब एग्जांपल लूंगा उसके थ्रू में भी बता सकता था, लेकिन एक बार देख लेंगे जल्दी से। सिंगल एट, फॉर सिंगल एटम आयन, अगर सिंगल एटम आयन है तो इन दैट केस जो उस पे चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, जो चार्ज होगा उसके ऊपर वो होगा। नेक्स्ट अब है चार्ज ऑन आयन, जैसे एग्जाम्पल मैं Na+ बोल दूं, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ON जो होगा इसका वो क्या होगा, +1, सही ना। ऐसे ही Mg2+ बोला तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। मैंने बोला Al3+ तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3। मैंने बोला O2- तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2, इस तरह से। तो ये सेकंड रूल है कि जो अगर सिंगल एटम है तो जो भी उसके ऊपर चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, तो ये सेकेंड रूल है। थर्ड जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ उसके अंदर कि F के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F जो है वो हमेशा फिक्स होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F,
ये हमेशा क्या होगा माइनस वन, ये माइनस वन होगा क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई है ही नहीं, तो इसका स्टेट क्या होगा ऑलवेज माइनस वन। क्लियर, इसकी स्टेट क्या होगी हमेशा माइनस वन, तो ये ध्यान रखना इसकी स्टेट हमेशा माइनस वन होगी एफ की। और इसके अलावा अगर आ जाता है और कोई एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, अगर मैं ले लूँ ऑक्सीजन ले लूँ ना, तो इसकी स्टेट जरूरी नहीं कि माइनस वन ही रहे, इसकी स्टेट जरूरी नहीं माइनस वन, ये माइनस टू भी हो सकता है। क्लियर, ये क्या होता है माइनस टू हो सकता है, या माइनस वन भी कई केसेस में माइनस वन भी होता है, या फ्रैक्शन में भी होता है इस तरीके से, तो स्टेट चेंज भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर से, थर्ड रूल ये था। नेक्स्ट नोट करना आगे, नेक्स्ट नोट करना है। अब जैसे जो अल्जेब्रिक सम होगा, अल्जेब्रिक सम जो होगा जितने भी एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, जितने भी एटम्स हैं उनका जो अल्जेब्रिक सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का, फोर्थ क्या है नोट करेंगे, अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स है ना, जितने भी एटम्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर हम उनका सम करेंगे, उनका अगर सम करेंगे, अगर वो न्यूट्रल है मॉलिक्यूल तो जीरो आएगा, और नहीं तो जो उसके ऊपर चार्ज है वो आएगा। अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स, ऑफ ऑल द एटम्स, ऑफ ऑल द एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना इसके अंदर। जैसे अगर मैं H2O की बात करूं, H2O तो H2O के ऊपर जीरो आएगा, CO2 की बात करूं तो CO2 के ऊपर चार्ज नेट जीरो आएगा, निकाल के देखना, निकाल के देखते हैं। जैसे H पे प्लस वन होता है, H पे चार्ज क्या है प्लस वन, एच पे चार्ज है प्लस वन, सही ना प्लस वन, तो प्लस टू हो जाएगा ये। और ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो प्लस टू माइनस टू क्या आ गया जीरो, जीरो आ जाएगा। ऐसे ही CO2 की बात करेगा, CO2 में, CO2 में C के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे प्लस फोर, और O पे माइनस टू होता है, O पे कितना होता है माइनस टू, माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर हो जाएगा, तो प्लस फोर माइनस फोर क्या आ जाएगा जीरो। NH3 की बात करें अगर, NH3, NH3 पे, NH3 पे N पे कितना होता है माइनस थ्री, और H पे कितना है प्लस वन, प्लस वन और प्लस वन और इंटू थ्री करेंगे तो प्लस थ्री आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री क्या आ जाएगा माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस थ्री क्या आ जाएगा इक्वल टू जीरो। समझ गए कि नहीं, एन पे माइनस थ्री और एच पे प्लस वन, प्लस वन इंटू थ्री क्या आ जाएगा जीरो। तो न्यूट्रल अगर मॉलिक्यूल है जैसे एच टू ओ, सी ओ टू, एन एच थ्री, सी एच फोर, इनका नेट जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जो सम कर ऐड करने पर वो क्या आएगा जीरो आएगा। और अगर चार्ज स्पीसीज है, अगर चार्ज स्पीसीज है तो उस पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो आएगा। सी ओ थ्री पे टू माइनस है तो टू माइनस, पी ओ फोर पे थ्री माइनस है तो थ्री माइनस। समझ गए कि नहीं, तो इस तरह से ये फोर्थ स्टेटमेंट है इसकी, ये कैसी फोर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम निकालना सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स। क्लियर, अब कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना सीखेंगे यहाँ पे, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ और बहुत इजी एग्जांपल्स होंगी, इसको ध्यान से सुनना है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, फर्स्ट एग्जांपल K2Cr2O7, ये स्कूल में इस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं ना, K2Cr2O7। तो इसमें तुम्हें क्रोमियम की निकालनी है कि क्या ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर, क्रोमियम का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो क्रोमियम को निकालना है। तो क्या आएगा, अब K पे चार्ज क्या होता है प्लस वन, K पे चार्ज क्या है प्लस वन, तो प्लस वन इंटू टू, प्लस वन इंटू टू, समझ आएगा नहीं है। K पे प्लस वन चार्ज है, इंटू टू करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस वन इंटू टू, प्लस टू एक्स, प्लस टू एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस टू इंटू सेवन, क्योंकि O पे माइनस टू होता है, O पे क्या है माइनस टू, तो माइनस टू इंटू सेवन दिस। और ये कंपाउंड क्या है एज ए होल, न्यूट्रल, न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू जीरो। समझ आया कैसे किया है, के पे चार्ज प्लस वन, के पे चार्ज क्या है प्लस वन है, ओ पे सी आर पे निकाल, इस पे चार्ज हमें निकालना है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें, और ओ पे कितना है माइनस टू, माइनस टू और कितने हैं ये सेवन, तो माइनस टू इंटू सेवन इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया टू एक्स
इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या गया 2x इज इक्वल टू प्लस 12 माइनस 14 प्लस 2, माइनस 12 इधर तो उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा, तो x कितना आ गया प्लस 6, x कितना आ गया प्लस 6। तो ये इजी क्वेश्चंस हैं। इसी में अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं अगर ऐसे लिख दूं Cr2O7 2 नेगेटिव, ऐसे भी लिखता हूं इसी क्वेश्चन को, K2 हटा दिया मैंने और क्या लिख दिया 2 माइनस लगा दिया यहां पे। अब इसमें क्रोमियम पे सेट निकालनी है, तो क्रोमियम पे चार्ज कितना है फिर x मान लेंगे, क्रोमियम पे चार्ज x मान लिया तो 2 × x, और O पे चार्ज कितना होता है, O पे चार्ज कितना है माइनस 2, तो माइनस 2 × 7 क्या गया माइनस 2 × 7, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले तो जीरो लिखा था क्योंकि यहाँ जीरो चार्ज था, इधर अब चार्ज कितना है माइनस 2, तो इज इक्वल टू माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस 6, एक्स कितना आएगा प्लस 6। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर कि इस तरह से स्टेट निकालनी है, चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो चाहे वो आयनिक हो, आयनिक होगा तो भी ऐसे निकालना है, तो इस तरह से स्टेट निकालना है। नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर, और एग्जांपल देखेंगे, जैसे अगर मैंने लिया इसी के अंदर से दूसरा एग्जांपल KMnO4, अब इसमें स्टेट निकालनी है MN की स्टेट निकालनी है, देखते ही पता लग जाएगा K पे चार्ज क्या आएगा 1, K पे 1, MN पे क्या आएगा X, क्योंकि निकालना है इस पे, O पे कितना होता है माइनस 2, और कितने O हैं 4, तो माइनस 2 × 4 इज इक्वल टू 0, तो X कितना आ गया यहाँ से प्लस 7, एक्स कितना आ जाएगा प्लस 7। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इस तरह से हम निकाल लेंगे कि क्या यहाँ पे स्टेट होगी सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम की स्टेट क्या होगी, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, और ये कभी भी 8 से ऊपर नहीं आएगी, ये ध्यान रखना आंसर 8 को एक्सीड नहीं करेगी। नेक्स्ट नोट करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो सब आने चाहिए, जैसे अगर मैंने बोला इसके अंदर निकालना है से Cr4 2 नेगेटिव, स्टेट निकालनी है क्रोमियम की, PO4 3 नेगेटिव स्टेट निकालनी है फॉस्फोरस की, नेक्स्ट आया S2O3 2 नेगेटिव स्टेट निकालनी है सल्फर की, तो क्रोमियम की स्टेट निकालनी है, तो क्रोमियम पे क्या मान लेंगे चार्ज X, O पे कितना होता है -2 × 4 - 8, -2 × 4 - 8 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आ जाएगा प्लस 6, x आ जाएगा प्लस 6। PO4 P पे निकालनी है, P का x मान लिया स्टेट, x मान लिया x -8 इज इक्वल टू -3, x -8 इक्वल टू -3, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस 5, और ऐसे ही इसमें सल्फर पे निकालनी है, तो s पे मान लिया मैंने फिर x, तो 2x हो जाएगा 2x, और -6 इज इक्वल टू -2, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस टू आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्टेट निकाल सकते हैं किसी भी एटम की, और ये जो स्टेट निकल रही है ना एवरेज है, ये क्या है एवरेज है, एक टर्म होती है ऑक्सीडेशन नंबर और एक टर्म होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक टर्म है ऑक्सीडेशन नंबर है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बार डेफिनेशन नोट कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की फिर स्टेट की, सही ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ये एक इमेजिनरी नंबर है, जैसे अगर मैं बात करूं HCl या एक बात करते हैं हम NaCl की, NaCl पे जो चार्ज है ना ये तो आयनिक कंपाउंड है, Na पे प्लस 1 चार्ज और Cl पे माइनस 1 चार्ज, Na पे प्लस 1 Cl पे माइनस 1, इसमें तो पूरा चार्ज आ रहा है, ये तो एक रियल चार्ज है, इसे क्या बोलते हैं रियल चार्ज, प्लस 1 भी रियल माइनस 1 भी रियल, दे बोथ आर रियल, ये रियल चार्ज है। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये ज्यादातर एक वर्चुअल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर होता है, क्लियर, एक वर्चुअल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर होगा या अपेरेंट चार्ज होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ HCl, अब HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, Cl क्या करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इसीलिए Cl पे पार्शियल नेगेटिव आता है चार्ज, क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, और H पे ही उतना ही पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, H पे क्या आ जाएगा उतना ही पार्शियल पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, H की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या मान लेते हैं इसको वर्चुअल मान लेते हैं प्लस 1, इमेजरी है ये प्लस 1, और इस पे क्या मान लेते हैं माइनस 1, एक्चुअल में पूरा माइनस 1 नहीं है यहाँ पे, ना ही एच पे पूरा प्लस 1 है, ये हमने सिर्फ माना हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या है, इमेजिनरी और अपेरेंट चार्ज
imaginary or apparent charge on an atom, ये imaginary charge है, समझ आया ना कि HCl के जैसे example मैंने लिया, ionic पे तो पूरा होता है, real होता है, और covalent compound में क्या होगा, ये imaginary होगा, ये apparent charge है on an atom in a compound, समझ गए कि नहीं? तो ये imaginary और apparent charge on an atom in a compound, this is called as oxidation number, इसे क्या बोलते हैं, oxidation number. और ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो, ये ध्यान रखना, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो. और ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो सिंगल एटम के ऊपर होती है, ये नोट कर लेंगे एक बार, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सिंगल एटम की होती है, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक बार इसी के आगे थोड़ा सा और लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ये एवरेज है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, इट इज एवरेज ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एवरेज ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एवरेज ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इट कांट बी फ्रैक्शनल, ये ध्यान रखना, ये फ्रैक्शनल नहीं होगी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं उसके अंदर, सपोज ये थोड़ा टफ एग्जांपल होगा, अभी समझ नहीं आएगा ये, क्योंकि मैं अभी एग्जांपल ज्यादा लिए नहीं है, जैसे Ki3 है, Ki3 इसमें एक्चुअल में ये I3 K प्लस है और I3 नेगेटिव है, ये I2 और ये I नेगेटिव है और ये इस I के साथ जुड़ा हुआ है, तो यानी इस पे चार्ज क्या है, जीरो, इस पे चार्ज क्या है, जीरो, इस पे चार्ज क्या है, -1, तो ये जीरो जो है ये -1 जो है, ये हर एक आयोडीन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हर एक आयोडीन एटम की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट. और अगर मैं बात करूं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा के पे चार्ज +1, आई पे एक्स मान लिया तो 1+3x, आई पे हमने एक्स मान लिया तो 1+3x इज इक्वल टू 1+3x इज इक्वल टू 0, नेट तो 0 है कंपाउंड, क्यों, क्योंकि ये तो हमने आयनिक कंपाउंड ऐसे लिखा है, तो नेट क्या है, Ki3, ये न्यूट्रल कंपाउंड था, 1+3x = 0, तो यहां से x जो आएगा इट इज इक्वल टू -1/3, तो -1/3 यहां पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है. और स्टेट बोलेंगे तो सबकी अलग अलग स्टेट बताएंगे, स्टेट बोलेंगे तो क्या होगा, सबकी अलग अलग स्टेट बताएंगे, i की 0, दूसरे i, तीसरे i की क्या होगी, -1, ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ये है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये डिफरेंस है, ये आगे जाके और क्लियर होगा. ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल एटम की होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सिंगल एटम की, और एवरेज ऑफ ऑल दीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन एन एटम इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर, वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है. तो नंबर और स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हालांकि जब हम क्वेश्चन देते हैं तो कभी पूछते नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है नंबर, दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, दोनों को एक जैसा मानते हुए यूज करते हैं इसको. तो और एग्जाम्पल देते हैं इसकी, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना. अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो निकालना बहुत इजी है, क्योंकि उसमें हमें कोई भी अलग अलग एटम के लिए निकालनी है, हमें तो एक साथ देखना कि क्या स्टेट आ रही है. जैसे मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ, उसमें मैंने बोला एल्यूमिनियम सल्फेट, ध्यान देंगे इधर, एल्यूमिनियम सल्फेट में सल्फर की स्टेट निकालनी है, सल्फर की, क्लियर, एक चीज ध्यान देंगे, Al2O3 है, तो इसमें चार्ज, ये सबने पढ़ा हुआ है, 8th, 9th, 10th में भी पढ़ा होगा ये, जैसे Al पे जो चार्ज होगा वो +3 होगा, Al पे चार्ज क्या होगा, +3, और O पे जो चार्ज होगा वो -2 होगा, क्रॉस करते हैं कि नहीं, है Al पे +3, O पे -2, ये भी इनका ऐसे पता होना चाहिए इस चीज का. तो अब यहाँ पे Al2SO4 होल थ्राइस, अगर क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसमें अगर मेरे को सल्फर की स्टेट निकालनी है, किसमें निकालनी है, सल्फर की स्टेट, तो एल्यूमिनियम की स्टेट मेरे को पता है +3 होती है, एल्यूमिनियम की स्टेट +3 है, तो क्या लिख देंगे, 2 into +3 plus
सल्फर पे, सल्फर पे सल्फर कितने हैं, एक एस ये रहा और तीन है ये, तो थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स, अब ओ कितने हैं चार यहाँ पे, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व हो जाएगा, फोर इंटू थ्री क्या हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा, तो ट्वेल्व इंटू माइनस टू माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो, और एक्स यहाँ से सॉल्व करेंगे तो प्लस सिक्स आ जाएगा, दिख रहा होगा ये क्या लिखा, टू इंटू प्लस थ्री प्लस सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर प्लस एटीन, यानी एक्स आ गया यहाँ से प्लस सिक्स। एक तरीका तो ये जिसमें थोड़ा सा गलत होने के चांसेस होता है, इसमें क्या होता है गलत होने के चांसेस होता है, इसलिए हम एक तरीका हो रहा है, जैसे मैं अगर एल्यूमिनियम सल्फेट को यहाँ ले लूँ, ये ले लिया मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट, अगर ये सीख जाओगे तो ईजी लगेगा तुम्हें, देखते ही बस सिर्फ क्या करना है तुम्हें कि इसको डिसोसिएट करा लेना, ये कैसे टूटेगा, टू ए एल में थ्री प्लस और साथ में दूसरा एन क्या होगा थ्री एसओ फोर टू माइनस, तो यहां से पता लग गया ना, देखते ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पे कि एल्यूमिनियम सल्फेट में सल्फेट आयन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या प्रेजेंट है सल्फेट आयन प्रेजेंट है, तो सल्फेट आयन लिया और इस पे एस पे चार्ज निकालना है, एस पे चार्ज क्या आएगा एक्स माइनस एट, ओ पे माइनस टू होता है, एक्स माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स आ गया प्लस सिक्स, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, इसमें गलत होने के चांसेस है थोड़े से, इसमें थोड़े गलत होने के चांसेस है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया से, अब इसमें निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, बी ए एच टू पी ओ टू होल ट्वाइस, सपोज बी एच टू पी ओ टू होल ट्वाइस, इसमें मैंने बोला बी पे पी पे स्टेट निकालनी, पी पे सही ना, अब इसमें हालांकि अगर आपको सारे एलिमेंट्स रटे हुए हैं तो ये देखते ही पता लग जाएगा, दिस इज ऑफ ग्रुप टू दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप टू का है ये और एल्कलाइन अर्थ मेटल का है, तो बी ए पे चार्ज मान लिया मैंने, क्या आएगा प्लस टू आएगा, उससे करके मैं निकाल सकता हूँ, मैंने देखा ये बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम आ गया ना प्लस टू स्टेट, तो उसकी स्टेट प्लस टू आ गई, तो क्या कर देंगे इसको टू प्लस, हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस वन होता है प्लस वन, और ये कितने हैं दो यहाँ हैं और दो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस फोर, पी पे एक्स होता है, पी पे एक्स माना और कितने पी हैं दो, पी कितने हैं दो, तो प्लस टू एक्स, ओ पे चार्ज माइनस टू होता है, माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, फिर ये टू एक बाहर भी है